नमस्कार दोस्तों। दोस्तों ये तो आप लोगों को पता ही है कि गदर 2 मूवी 11 अगस्त को रिलीज़ हो रही है, लेकिन इससे ठीक पहले सनी देओल ने अपनी मूवी की स्क्रीनिंग रखी और ये स्क्रीनिंग थी इंडियन आर्मी की दोस्तों। जी हाँ, यानी कि इंडियन आर्मी और उनके परिवार को सनी देओल ने गदर 2 मूवी दिखाई और अपने हाथों से उनको लड्डू भी बांटे। और देखा जाए दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है और मूवी देखने के बाद इंडियन आर्मी और उनके परिवार ने इस मूवी को जो रिव्यू दिया है उससे जो फिल्म के मेकर्स हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इंडियन आर्मियों को ये मूवी कैसी लगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दरअसल मैं बता दूँ, ये स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में मंगलवार को और इसमें देखा जाए जब ये फिल्म इंडियन आर्मी वाले देख के निकले तो उनकी आँखें नम थी और जब ये मूवी ख़त्म हुई थी तो वो जो सिनेमा हॉल था वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। और जब कुछ मीडिया कर्मियों ने उनसे इस मूवी के बारे में पूछा तो उनके परिवार ने कहा कि मूवी बहुत ही अच्छी है और इंडियन आर्मी वालों लोगों ने तो यहाँ तक के कह दिया कि गदर का जो पहला पार्ट था उससे अच्छा गदर 2 का है। और दोस्तों देखा जाए, जैसे ही ये खबर निकल करके सामने आई है तब से सनी देओल के फैन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और वहीं दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी फिल्म के जो मेकर्स हैं अनिल शर्मा ने इस मूवी का बजट भी ओपन कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने मीडिया कर्मी से बातचीत के दौरान बताया है कि इस मूवी का बजट 60 करोड़ रुपए है और 20 करोड़ रुपए मेरा प्रिंटिंग और फिल्म प्रमोशन में खर्चा हुआ है, यानी कि कुल मिला के 80 करोड़। लेकिन दोस्तों जब हम विकिपीडिया में देखते हैं वहाँ 100 करोड़ रुपए दिखाया जाता है, लेकिन मेकर्स के तरफ से इस मूवी का बजट 80 करोड़ रुपए है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये मूवी खाली 3 दिन में ही सुपरहिट होने का दमखम रखती है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है इन सब बातों को लेकर के कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।